इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। ये बातें कही हैं सुरेंद्र सिंह ने, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक है। दरअसल एक पत्रकार ने विधायक सुरेंद्र सिंह से सवाल किया कि कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, इस राम राज्य में रेप जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, इसका क्या कारण है? इसी पर सुरेंद्र सिंह ने ये बयान दिया। हाथरस कांड का विरोध कर रहे सपा, बसपा और कांग्रेस पर विधायक ने कहा कि ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि दलित हो या ब्राह्मण हो, सबकी बेटी बेटी ही होती है, सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी अपने फायदे के लिए दलित की बेटी कहकर समाज को बांटने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लाख कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश की जमीन पर कांग्रेस स्थापित होने वाली नहीं है। इनके इस बयान के बाद कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और लिखा, बड़े से बड़ा पार्टी भक्त इन विधायक जी की जलाहट को जस्टिफाई करके बताए, कुतर्कों की और सोच की नीचता कहाँ तक है पता तो चले। पाउटिंग फेस यानी जिन बच्चियों के साथ दुष्कृत्य हुआ उनके परिवार वालों ने बच्चियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये बयान सुनकर आपके मन में पहला विचार क्या आया, सच बताना। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, यूपी की सत्ता में बैठी पार्टी का विधायक कहता है बलात्कार रोकने हैं तो लड़कियों को संस्कार दो, ऐसी घटिया सोच के लोगों को ऐसे पदों पर बिठाया है, इसलिए प्रदेश में बेटियों को नोचा जा रहा है। कोई इस घटिया आदमी से पूछे, 3 महीने की बच्चियां जिनका बलात्कार होता है क्या वो भी असंस्कारी हैं? अलका लांबा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने ये लिखा, यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा, लिखा, ये योगी जी के विधायक हैं, देखिए भाजपा कैसा खेल खेलती है, एक तरफ तो ऊपर ऊपर दिखाने के लिए बोलती है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंदर अंदर अपने लोगों से महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करने, रेप की जिम्मेदारी महिलाओं पर डालने का अभियान चलवाती है। बता दें कि सुरेंद्र सिंह का ये कोई पहला बयान नहीं है जिसकी वजह से वो चर्चा में आए हों, इससे पहले कई बयान दे चुके हैं। मार्च 2019 में उन्होंने मायावती के बारे में टिप्पणी की थी, खुद सुनिए। देखिए मायावती जी क्या कहेंगी, मायावती जी तो खुद फेसियल रोज कराती हैं, जो खुद फेसियल कराता है वो हमारे नेता को क्या कहेगी कि जो है वो शौकीन है। अरे भाई कोई वस्त्र पहनता है तो वस्त्र पहनना कोई शौकीन की बात नहीं होती है, शौकीनी की बात तो ये होती है कि बाल पका हुआ है और बाल रंगवा करके मायावती जी आज भी अपने को जवान साबित करती है। जो बाल पका हुआ है, 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन सब बाल काले हैं, इसको कहते हैं बनावटी शौक। बनावटी शौक उसको मायावती बनावटी शौक वाली है, वो फेसियल रोज कराती हैं, बाल काला करवा ली है। हमारे मोदी जी का तो भाई एक वस्त्र है, तो वस्त्र स्वच्छ पहनना, साफ सुथरा पहनना ये शौक है, तो फिर और क्या शौक कहा जाएगा परिभाषा। इससे पहले अप्रैल 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में भी बयान दिया था, कहा था, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो 3 बच्चों की मां के साथ कोई भला दुष्कर्म कैसे कर सकता है, ये विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ साजिश है। विधायक की पत्नी ने भी कहा है कि लड़की झूठ बोल रही है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है, दोनों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए, सच सामने आ जाएगा। सुरेंद्र सिंह बैरिया विधानसभा के गांव चांदपुर के रहने वाले हैं, मास्टर बनने के बाद एमएड भी कर डाला। इस मास्टरी पढ़ाई लिखाई के पहले वो एक और क्लास में जाने लगे थे, संघ की क्लास में राष्ट्रवाद की शिक्षा लेने। बीएड करते हुए ही प्रचारक का काम भी करते रहे, टीचर बनने के बाद संघ में तहसील कार्यवाह रहे, फिर जिला कार्यवाह का पद मिला और 2017 में बलिया जिले के बैरिया से विधायक बन गए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी उमा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।